दोनों सेड़ी थे तो मेरे से थोड़ा उलझ गए थे, तो समझा दिया उन्हें और पुलिस वाले भी वहीं पे खड़े थे तो उन्हें मैंने इन्फॉर्म कर दिया, फोटो खींच ली थी मैंने, उन लोगों को दे दी। तो देखो पुलिस वाले अब क्या करते हैं। हे गाइस गुड मॉर्निंग, और आज सुबह सुबह ये पैकेट हमें अमेज़ॉन से डिलीवर हो गया है। अब इसके अंदर क्या है वो हम थोड़ी देर में दिखाते हैं आपको। बाकी ये देखो हमने अपने हॉल में थोड़े बहुत चेंजेस करे हैं, बाकी इनकी डिटेल वीडियो हम बताएंगे आपको, ये आपने देखा होगा हमारे व्लॉग में। बाकी डिटेल वीडियो बताएंगे हम क्या क्या चेंजेस कर रहे हैं अपने घर में। ये बैठा आदि क्या खेल रहा है, तो फ्री फायर खेल रहा है, ये वीडियो गेम में लगा रहता है। सुबह फ्री फायर, दोपहर में GTA, शाम को GTA तो खेलता भी नहीं, बेकार से मैंने इसको कंप्लीट भी कर दिया। 2 से 4 सो जाता है, फिर शाम को वीडियो गेम। पढ़ाई करते हो सर आप? हाँ। चलो अच्छी बात है, होमवर्क सारा कंप्लीट है, छुट्टियों का। चलो गुड। तो गाइज ये वाला अमेजोन का पैकेट खोलते हैं और दिखाते हैं आपको इसके अंदर क्या है। मैंने बता दिया था क्या कि क्या है? नहीं बताया अभी। तो गाइज स्टे ट्यून्ड कि क्या है इसके अंदर। अनबॉक्सिंग आदि करेगा ब्रो। अनबॉक्स, चाकू चलाओ, ऐसी खोल देना, वापस तो नहीं करोगे? ये बहुत बेकार है अनबॉक्सिंग में। अभी देखो इसको पूरा एकदम छेड़ दूंगा, फाड़ दूंगा। यस आवास ये। तो गाइज ये देखो अनबॉक्सिंग हो गई हमारे पैकेज की, अमेज़न से आया है। और आदि गैस कर आदि की क्या है इसके अंदर, क्या हो सकता है बता। आपको पता है? हाँ मुझे तो पता है, ऑब्वियसली मैंने ऑर्डर करा है। तो फिर थोड़ी देर समझ ली। ये खुल गया है, देखो क्या। अच्छा देख, अभी भी नहीं दिख रहा है। तो गाइस स्टे ट्यून्ड क्या है इसके अंदर। तो ये रहा हमारा CP+ का वाईफाई कैमरा। तो गाइस CP+ का कैमरा इसलिए ऑर्डर करा है क्योंकि हम जैसे अंदर सोते हैं, बाहर रात को कुछ आवाज़ वगैरह आती है तो पता नहीं चलता, तो बार बार बाहर उठ के जाना पड़ता है देखने का। मोस्ट ऑफ द टाइम या तो कुत्ते होते हैं या फिर गाय भैंस ये सब होते हैं। नहीं ये मैंने ऑर्डर करा था। तो ये गाइज ये जो इसके अंदर SD कार्ड आता है ये अलग से आता है, ये कैमरा अलग से आता है। तो दोनों की कॉस्ट जो है अराउंड 2500 के आसपास है। एक सेकेंड दिखा, पहले बताने दे थोड़ा। तो गाइज दोनों की कॉस्ट अराउंड 2500 के आसपास है, आप भी ऑर्डर कर सकते हो। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप मेरे लिंक से ऑर्डर कर दो तो तुम्हारे भाई को भी थोड़ा बहुत कमीशन मिल जाएगा। बाकी आदि कैमरे को अब खोल के दिखाओ कि कैसा है कैमरा। बहुत ही प्यारा और क्यूट सा कैमरा है, ज़्यादा महंगा भी नहीं है और 360 डिग्री रोटेट हो जाता है एंड नाइट विजन के साथ है, एलेक्सा इनेबल्ड है। तो काफ़ी सारे फीचर्स के साथ CP+ ने ये कैमरा ऑफर कराया कस्टमर्स को। और ये मैंने 64 GB की जो है चिप मंगाई है, 64 GB वाली ये बेसिकली चिप काफ़ी है इस कैमरे के लिए, क्योंकि अगर लाइट वगैरह चली जाती है उस केस में कैमरा इसमें रिकॉर्ड करेगा आपकी वीडियोज़। तो गाइज अभी हम कैमरा दिखाते हैं आपको कि देखो ये रहा कैमरा, ये 360 डिग्री रोटेट भी कर देता है। आपको सेलफोन में दिखा देगा ये कैमरा कि आपको कौन सी डायरेक्शन में देखना है नहीं देखना। उसके अलावा अगर कोई आहट होती है, कोई साउंड आता है तो उसको भी ये सेंसर से पकड़ लेता है और आपके सेलफोन पर नोटिफिकेशन भेज देता है। तो ये है ये क्यूट सा कैमरा CP+ का। तो आपको ऑर्डर करना है तो कर लो मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक पे से। बाकी चलो इसको जो है चार्जर भी मिला, फ्री का चार्जर। हाँ ये बेसिकली इसके साथ ही। और क्या है आदि दिखा, अच्छा अच्छे से दिखा यार हमारे व्यूअर्स को कि क्या क्या इसके अंदर। ये गाइज होल्ड करने के लिए इसको, ये इसकी अच्छी बात ये है कि ये ऐसे भी लग जाता है, ये ऐसे उल्टा होके भी लग जाता है। ऐसे लगाओ। और चलो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, इसको जो है सेटअप करने के लिए मैं कॉल कर लेता हूँ टेक्नीशियन को, मिलता है थोड़ी देर में। Hey guys, देखिए ब्लिंकिट से हमने किया वेजिटेबल्स, क्योंकि आपको पता है कि मम्मी यहाँ पे नहीं है और हम मतलब ये वेजिटेबल का मोल भाव कर नहीं पाते और मेरे को भी नहीं आता अभी, तो हमने वेजिटेबल्स किए हैं ऑर्डर ब्लिंकिट से और हम दिखाते हैं आपको वेजिटेबल्स कैसी हैं। लाइक फ्रेश ही फील हो रही है। हाँ ये फ्रेश है टमाटर, ये 1/2 kg टमाटर है, 140 किलो के थे, 70 के बड़े में भी। तो यार देखो सब्जी मंडी मेरे मोल भाव होता नहीं है, टोमेटो मिल नहीं रहे थे वहाँ पे ठेले वगैरह पे, तो मैं यहाँ पे ब्लिंकिट पे देख रहा था कि क्या रेट चल रहे हैं, तो मैंने सोचा चलो बाकी की सब्जी भी ऑर्डर कर लेते हैं। मुझे डर था कि कुछ खराब वराब ना पकड़ा जाए, लेकिन अच्छी लगी सब्जी, ठीक ही लगी। हाँ और टमाटर यहाँ पे मिले हैं गाइस 140 रुपये किलो, 70 रुपये के
आधा किलो हाइब्रिड वाले टमाटर, और ये मैंने कर दी लौकी, बैंगन, अरबी, प्याज, खीरा, इसमें क्या है, बीन्स इसमें है। बीन्स येरी, ये भी फ्रेश ही है। और ये ग्वार की फली है इसमें, ग्वार की फली। ये इनको मेरे को नहीं अच्छी लगती, बट इन्हें अच्छी लगती है। ग्वार की किसकी फली बोलते हैं, ग्वार की फली, बट ये भी बहुत फ्रेश है। वेजिटेबल सारी ही फ्रेश है, तो वैसे तो हम लोग प्रेफर करते हैं कि ठेले से ही लें, क्योंकि उनका ये तो वैसे ही करते हैं। बट हमने ये जस्ट मम्मी नहीं है तो इसलिए हमने इसी टाइम के लिए किए हैं, आगे तो फ्यूचर मम्मी ले आएंगी जाके, बस इसी बार ही किए हम। वंस इन अ वाइल। और भिंडी, करेला हमारे उसमें ही लग रहे हैं, मतलब खेत में लग रहे हैं, प्लॉट में, और तोरी भी, तो वो नहीं किए हमने, ये किए हमारे 1 वीक की वेजिटेबल हो गई है। बट एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, फ्रेश दिया है। मुझे लग रहा था कि हम ऑर्डर कर रहे हैं तो कहीं ये देखो ये डिस्टर्ब कर रहा है यार, हम शूट कर रहे हैं। अरे भैया रुक जा। चलो गाइस कोई बात नहीं, छोले बन रहे हैं, एडजस्ट कर लेना। पीछे से आवाज़ आ रही होगी साउंड की, छू 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 छू। तो चलो सब्जी रख दो फ्रिज में, ठीक है, सब्जी की टेंशन खत्म। चलो गाइस मिलते हैं हम आपसे थोड़ी देर में, बाय। अभी मैं आया हूँ यूनिवर्सिटी अपने वही शाम की वॉक के लिए। आजकल एक्सरसाइज वगैरह बंद कर रखी है, तो यहीं पे वॉक करने आ जाता हूँ, क्योंकि काफ़ी अच्छा लगता है वॉक करना ग्रीनरी के अंदर। और ये देखो ये है सामने का नज़ारा, ये बच्चे लोग साइकिल वाइकिल चलाते हुए, और यहाँ पे क्रिकेट ग्राउंड भी है इधर वाला, ये रहा क्रिकेट ग्राउंड, और चल रहे हैं आगे। और ये देखो मोर वोर देखने को मिल जाते हैं, ये रहा सामने मोर बै, ये एक्चुअली मोर नहीं है, मोर बताया था ना लास्ट व्लॉग में, एक बार सर्किट हाउस के व्लॉग में, कि जो है मोर की पूंछ पंख होते हैं बड़े वाले, और जो मोर नहीं होती है वो ऐसी होती है। कहाँ छुप गई, इधर ही तो थी यार, ये रही देखो, ये है मोरनी। बाकी आवाज़ सुनाई दे रही होगी, मोर मोर नहीं होगी, बहुत मोर है भाई यहाँ पे, अजीब वगैरह चिड़िया पंछी, मज़ा ही आ जाता है घूमने में यहाँ पे। ये देखो गाइज मैं अभी भी आगे जा ही रहा हूँ, और मैं वहाँ से वॉक करता हुआ आ रहा हूँ। देखो छोटू राम यूनिवर्सिटी से होता हुआ यूनिवर्सिटी अपनी CCS के अंदर ये वाली रोड जाती है, जिसमें साइड में बहुत सारे इंस्टीट्यूट रहते हैं, लीगल वाला पीछे, हिस्ट्री वाला पीछे, आगे अलग अलग डिपार्टमेंट है, फैकल्टी ऑफ साइंस मैनेजमेंट वगैरह वगैरह। और जो एंड में आप देख रहे हो, मैं वहाँ तक जा रहा हूँ, वहाँ पे CCS का बोर्ड लगा हुआ है, आई लव CCS यूनिवर्सिटी, वहाँ तक मैं डेली वॉक करता हूँ। तो आना और जाना वापस अप्रॉक्सीमेटली 3 और 3.5 किलोमीटर बैठ जाता है। तो चलो वहाँ पहुँच के मैं दिखाता हूँ आपको आई लव CCS यूनिवर्सिटी का बोर्ड। देखो आगे डिपार्टमेंट ऑफ जियोग्राफी और फिज़िक्स। तो देखो जैसा मैंने बताया था, मैं वहाँ से चलते चलते जो है यहाँ तक आ गया हूँ, और ये रहा अपना CCS यूनिवर्सिटी का गेट इस साइड, और ये रहा आई लव CCS यूनिवर्सिटी। यहीं तक मैं डेली वॉक करता हूँ 3-3.5 किलोमीटर की, और कभी कभार सैटरडे संडे छुट्टी वाले दिन ज़्यादा ही कर लेता हूँ। ये देखो लाइट जल गई इधर, और यहाँ से अभी मैं इधर से यू टर्न लूँगा और वापस जाऊँगा। वो रहा सामने स्टैचू स्वामी विवेकानंद जी का शायद, हाँ वही है। और इधर से अपन, ये रहा मेन गेट यूनिवर्सिटी का, और इधर से अपन यू टर्न लेंगे, और अभी इस रोड की भी जो है लाइटें जल जाएंगी, इधर से जो है वापस चले जाएंगे। तो मिलते हैं हम आपसे छोटू राम यूनिवर्सिटी के गेट पर। गाइज यहाँ तक पहुँच गया हूँ मैं, वापस यूनिवर्सिटी से निकल गया था उस आई लव CCS यूनिवर्सिटी वाले बोर्ड से, और अब ये सामने जो है छोटू राम यूनिवर्सिटी, छोटू राम कॉलेज है,
और सामने ये जो आप देख रहे हैं छोटू राम कॉलेज है, और यहाँ पे जस्ट पहुँचने वाला हूँ, ऑलमोस्ट 8 बजने वाले हैं, 5 मिनट 8 बजने में, बाकी 7 बजे मैं ऑफिस का काम ख़त्म करके निकल जाता हूँ, 8 बजे तक छोटू राम के गेट पर पहुँच जाता हूँ, तो अपनी 1 घंटे की वॉक हो जाती है। और चल रहे हैं, स्कूटी जहाँ पे खड़ी है वो वहाँ पे दिखाता हूँ मैं स्कूटी को, जो है पुलिस वालों को बता के वहाँ से मैं निकल जाता हूँ, और अब पानी वानी पियेंगे चल के और चलेंगे फिर घर की तरफ। और देखो वॉक ख़त्म करते करते अपनी हालत कुछ ऐसी हो जाती है पसीने में, बाकी बस इतनी थी वॉक अपनी छोटू राम कॉलेज से लेके अपने यूनिवर्सिटी के गेट तक। ये खड़ी अपनी स्कूटी और इधर की तरफ है छोटू राम कॉलेज, बस अब स्कूटी उठाते हैं और चलते हैं घर की तरफ, तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। हे गाइस, आज हम जा रहे हैं डिनर के लिए, क्योंकि आज मेरा बनाने का मूड नहीं था, तो हमारी पार्टी ये रही। हेलो गाइस, आज मेरी बीवी का खाना बनाने का मन नहीं था, तो भाई बहू का मरने से अच्छा है कि इन्हें डिनर पे ले चले। और जा रहे हैं हम आबुलेंस सदर की तरफ, या तो फ्लेवर्स में जाएंगे या फिर मद्रासी डोसे की दूसरी शॉप खुली है वहाँ पे जाएंगे। एग्जैक्टली, सो लेट्स सी कौन सा इस समय ओपन होता है, क्योंकि लेट हो गए हैं काफी। और भैया शादी के बाद बीवी की नहीं मानोगे तो किसकी मानोगे। और कभी कभी चलता है ना कि ठीक है। और ये हेलो जी, क्या हाल है सबके? हेलो जी, बता दो क्या हाल है सबके? पता है आज भाभी ने कोल्ड कॉफी बनाई थी, बहुत टेस्टी थी। तो गाइस जा रहे हैं, देखते हैं 9:30 बज गए हैं, देखते हैं कुछ 9:30 नहीं 10 बजने वाले हैं, 5-10 मिनट है 10 बजने में। ओह शिट, पता नहीं खाने को मिलेगा नहीं मिलेगा, या फिर हमें वापस आके खिचड़ी बनानी पड़ेगी, कुछ पता नहीं, देखते हैं गाइस। मैं तो आपके लिए खाऊंगा, मम्मी से मैंने मना कर दिया, मेरे लिए मत बनाना। तो कोई नहीं, फिर तीनों लोग खिचड़ी खाएंगे और क्या। मैं रोटी सब्जी तो मैं नहीं बनाऊंगी, 10 बजे कौन बनाते रोटी सब्जी, मैं खिचड़ी बनाऊंगी फिर, लास्ट ऑप्शन। सो गाइस मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। आ गए हैं हम फ्लेवर रेस्टोरेंट के पास, ये अभी हम क्रॉस कर रहे हैं आबुलेन। रात के 10 बज गए हैं, बट फिर भी मतलब मार्केट में रौनक है, लाइटों की रौनक है, दुकानें बंद है बेटे। अच्छा बंद है? यस। नहीं जी, खुली है अभी। ना, कौन सी दुकान खुली है जी? ओके, यहाँ बंद है गाइस, यहाँ पे बंद है, यहाँ पे बंद है, पीछे खुली थी। अरे वैसे ही चाट पकौड़ी या आइसक्रीम वाली दुकान है, वैसे ठेले। ओ वाओ, ये कौन सा है? हुंडई का शोरूम है। ओके भाभी, एक गाड़ी खरीद के लाना जरा मेरे लिए। हुंडई नहीं, छोटी वाली गाड़ी थोड़ी जो मैं खरीद के ला दूंगी तुम्हारे लिए। कह दो बड़ी को छोटी कर दो बस, जाके अपनी शक्तियों से। भाभी कह रही पैसे तो मैं तो ले आऊंगी। मैक्रोनी पॉइंट है ये, इसके पास अच्छा मिलता है सब फास्ट। मैक्रोनी पॉइंट गाइस, इसका आप ट्राई कर सकते हो, बहुत अच्छा है। मतलब ये बहुत ही टेस्टी है, यहाँ का सारे आइटम अच्छा है। हमने किया था ऑर्डर, एक बार यहाँ पे खाने भी आए थे, तो बहुत टेस्टी है, यू कैन ट्राई इट। और ये शॉप्स खुली तो है, देखो ये किसी चीज की है। ओए होए, स्लीपर्स थी इधर, दिखाओ शू सिटी में। ये है शू सिटी, भाभी को बोलना नहीं आता। नो हेलो, मेरे को सब आता है। हेलो, अनकट डालूंगा गाइस, अनकट। इन दोनों की बेइज्जती अपने आप ही करवा रहे हैं दोनों। अरे भैया आप अपनी बेइज्जती तो गेरते नहीं हो, हम आपके ऐसी बेइज्जती करते हैं, अपनी करवाते ही नहीं। ओ प्लीज, आपकी भी बहुत बेइज्जती होती है। ये क्या है? स्ट्रीट हाउस कैफे। ओके, स्ट्रीट नहीं, स्ट्रीट हाउस। ए भाभी आपको पढ़ना भी नहीं आता? अरे शट अप, इसमें गुंडा बनने वाली का बात है, आपसे ना बोला जाता। मैं ठीक बोलती हूँ, बट वो मैं पढ़ रही थी तो इसलिए ऐसा हो गया। अरे पढ़ने से तो बोला जाता है, बिना पढ़े कोई क्या। और गाइस हम आ गए हैं अपनी डेस्टिनेशन के पास, फ्लेवर रेस्टोरेंट। देखते हैं खाना मिलता है नहीं मिलता है, क्योंकि 10 बज गए हैं, क्या पता खत्म ना हो गया। और ये बिगीज पिज्जा, ये वाली लेन एक्चुअली बिल्ली ने रास्ता काट दिया गाइस, ऐसे भाग के चलिए। चलो चलो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब बताओ डोसा या छोले भटूरे? छोले भटूरे, छोले भटूरे। ये है मैसूर डोसे वाले की दुकान, ये है मैसूर डोसे वाले की दुकान, यहाँ पे दूसरी ब्रांच। डोसा भी खा सकते हो इन केस
अगर आपको छोले भटूरे खाने हैं तो चलो डिसाइड करते हैं क्या खाना है। ओके छोले भटूरे ही चलते हैं। आ गया है फ्लेवर रेस्टोरेंट, यहाँ पे हम खाएंगे छोले। गाइस ये आ गए हैं छोले और पिज्जा चार, छोले भटूरे पिज्जा चार, और ये रही हमारे पानी। से हाय, कैसे हैं गाइस? अच्छे हैं छोले भटूरे, मैंने भी टेस्ट किए हैं, बहुत टेस्टी है। तो गाइज आ गए हैं हम लोग छोले भटूरे खा के फ्लेवर्स रेस्टोरेंट से। अभी बज गए हैं रात के 10:30, आधे घंटे में हो गए यार अपना छोले भटूरा का डिनर। और ये राधी थोड़ी सी वहाँ पे एक जो है घटना टाइप हो गई थी। घटना ये हो गई भाई साहब, ट्रक तो ऐसा निकला एकदम खतरनाक तरीके से उड़ाई देता ये तो भाई। इसको तो पता भी नहीं चला, ये ना हॉर्न के साथ आ रहा था ना ही डीपर के साथ, ये देखो दूसरा भी उधर से आया भाई साहब। अभी ऑटो ठुकता सीधे। तो गाइज एक मिनट रुको, मैं जरा रोड पे ध्यान देता हूँ। ओके ये इधर मुड़ गया है। सो गाइज एक एक्चुअली थोड़ा छोटा सा इंसिडेंट हो गया था और वहाँ पे जब हम आधे यार सुन एक छोटा सा इंसिडेंट हो गया था। हम लोग जब गाड़ी पार्क कर रहे थे तो नशेड़ी थे तो मेरे से थोड़ा उलझ गए थे, तो समझा दिया उन्हें और पुलिस वाले भी वहीं पे खड़े थे तो उन्हें मैंने इन्फॉर्म कर दिया। फोटो खींच ली थी मैंने, उन लोगों को दे दी। तो देखो पुलिस वाले अब क्या करते हैं, रिपोर्ट मैं नहीं करना चाहता तो रिटन में एप्लीकेशन नहीं दी मैंने, उन्हें सिर्फ इतना बोल दिया कि भाई अपने हिसाब से आप इनको समझा देना और गाड़ी मतलब स्कूटी के नंबर से फ़ोन नंबर वगैरह निकाल के। बाकी पुलिस वाले का नंबर ले लिया, कल फिर एक बार और रिमाइंड करवा दूंगा मैं उनको, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो एप्लीकेशन दे दूंगा। बाकी इतना ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था ना, मतलब बहसबाजी हो रही थी मेरे से और वो दो लड़के थे, मैं अकेला था, ये लोग थे, इसलिए मैंने लड़ाई वड़ाई नहीं करी। ऐसे भी मैं लड़ाई के चक्कर में नहीं पड़ता हूँ। बाकी छोले भटूरे का स्वाद कैसा था? मस्त, बेहतरीन। छोले भटूरे ठीक थे मुझे आज, मतलब उतना ज्यादा स्वाद नहीं लगा, शायद रात ज्यादा हो गई थी और फ्रेशपन जो होता है वो थोड़ा सा ऑफ हो गया था रात होने की वजह से। तो गाइज ये आ गए फिर से अगेन एंड अगेन माल रोड पे और जा रहे हैं घर की तरफ वापस।